पति को 2008 में एक्सपायर कर गए। के मरने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत त्याग करते हैं, हम बहुत मुसीबत स्थिति में कटे हुए हैं। पति हस्बैंड मेरा पी खा के आते थे, बाल बच्चा को मारपीट कर देते, घर पर इधर सब सारा कर देते, चूल्हा चक्का सारा फोड़ फाड़ देते, बहुत स्थिति से बड़ी हुई से निकले हुए। अच्छा, मतलब जो एक समाज में ऐसा कहना नहीं चाहिए, जो एक पियक्कर पति होते आकर अपने पत्नी और बच्चों के साथ सही बर्ताव नहीं करते, उस प्रकार उनकी स्थिति। विशाल फोन किया था, क्या बोले वो? मम्मी हम ऐसे से निकल गए, तुम खुश है? मैंने हाँ हम बहुत खुश है। और क्या बात हुई? बस इतना ही बात हुआ, दोस्त सब साथे था, बस दोस्त सब अपने नाचने लगे। अच्छा, पूरा मस्ती एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ, अच्छा, अब विशाल भी आते थे तो कहीं ना कहीं यहीं रुकते? हाँ, यहीं पर रुकते थे। अच्छा, एक ही रूम है कि और रूम? नहीं, एक ही रूम है। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहते हैं कि हमारे पास संसाधन के अभाव की वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे, उन लोगों को क्या संदेश? ये दो बार जॉब को छोड़े हैं, एक रिलायंस में इन्होंने साल भर काम किया, वो काम करने का मकसद रहा कि इनके ऊपर जो लोन था वो क्लियर करना था, तो साल भर वहाँ काम करके फिर उसके बाद आगे पढ़ाई करनी थी तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी, तो ये टीचिंग लाइन चुने, एज अ फैकल्टी LN में काम किए 9 महीना, उसके बाद फिर वहाँ भी समस्या आई, चूँकि फर्स्ट अटैम्प में वे PT निकाले, मेंस उनसे नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं समस्या थी कि काम करना है, यहाँ एंगेज है तो फिर यहाँ समय कम पड़ रहा है, तो फिर कंप्लीट रूप से छोड़कर दिसंबर 20 में वे यहाँ दिल्ली गए, मुखर्जी नगर, उसके बाद साल भर। कभी हंसी मजाक में बात किए होंगे कि भैया तुम अगर IAS IPS या UPSC निकाल लोगे तो हम ये करेंगे, ये खरीदेंगे, ऐसा कुछ किए ही होंगे? नमस्कार साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये भैंसिया और ये सब खटाल वटाल आपको दिखाने क्यों लाए हैं, लेकिन ये भैंसिया और खटाल दिखाने नहीं लाए हैं, बस ऐसी ही परिस्थितियों से मुकसूदपुर गांव से निकले विशाल कुमार जो UPSC के एग्जाम में 484th रैंक लाते हैं, तो हम भी क्यों ना उनके घर चलकर वास्तविक स्थिति से आप लोगों को रूबरू करवाएं। तो चलिए पहले उनके घर चलते हैं, ये ग्रामीण है और उनके परिवार के सदस्य भी है, और सबसे पहले वो माता जी को हम प्रणाम करना चाहेंगे जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो गरीबी से अमीरी तक ले जाने का, या फिर कह सकते हैं कि समाज को एक नई दिशा दिखाने वाला लड़का को जन्म देते हैं। माता जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। क्या नाम है माता जी आपका? रीना देवी। रीना देवी, अच्छा ये बताइए कैसा लग रहा है आज आपका बेटा देश का नाम, बिहार का नाम और आपके जिला और गाँव का नाम रोशन कर रहा है? बहुत खुश लग रहा है जी, मेरा कलेजा बहुत मजबूत हो गया कि मैं गरीबी की रेखा से कोशिश किया, मेरा बच्चा। कभी सोचा था आपने? नहीं, क्या नहीं सोचा, नहीं सोचा था, नहीं सोचा। जब वो तैयारी कर रहे होंगे तो आपके गांव वाले के साथ साथ रिलेटिव भी मजाक उजाक उड़ाते थे क्या UPSC का तैयारी करने का, इस तरह का? बहुत कहता था कि नहीं कर पाएगा, कहां से करेगा, लेकिन भगवान। अच्छा, आप क्या क्या करके पढ़ाई लिखाई है उनको? मैं उसको पहले सहारा एजेंटी करती थी, उसके बाद सहारा में तो जानबे करते थे कैसा घोटाला चल गया है, इसीलिए कुछ भी नहीं करते थे उसको। मोरी शंकर यादव जी है मास्टर, उसको सहायता दे के पढ़ाए हैं लिखाए। अच्छा, और आपके पति? मेरे पति को 2008 में एक्सपायर कर गए। अच्छा, कैसे हुई ये? ये घटना ही पहले जा कांवर लेके गए थे, गिरने से माथा का भेंट फट गया था। अच्छा अच्छा, और तबीयत वबीयत भी खराब रहती थी? नहीं, उनका तबीयत नहीं, बहुत मानो पीने खाने में थोड़ी थी, बस यही इतना था। अच्छा, पीते खाते थे। अच्छा, चलिए हम घर के अंदर भी चलेंगे और दिखाना चाहेंगे कि हालातों से लड़कर किस प्रकार सफलता पाई जाती है। यह एक रूम का कमरा है और इस कमरे के अंदर हम आना चाहेंगे, और इसी कमरे में अगर विशाल भी आते थे तो इसी कमरे में रुकते थे, और इसी में इनका किचन है और एक चूल्हा का स्टोव रखा हुआ हम दिखा रहे हैं आपको, और किस प्रकार इसी पे खाना बनता है, और इनके परिवार के लोग स्ट्रगल करके किस प्रकार अपने बच्चों किस प्रकार स्ट्रगल संघर्ष किए हैं, और उसको पैसा कैसे आप देते थे? पैसा हम नहीं, किसी गौरी शंकर यादव जी देते थे, मैं अच्छा। उनको पैसा वैसा कभी पढ़ाई के लिए नहीं। गौरी शंकर यादव कौन है? मास्टर है, टीचर है मुसदपुर स्कूल के। अच्छा अच्छा, अभी जब से रिजल्ट आया है तो आपको कैसे पता चला? मेरा
विशाल फोन किया था। क्या बोले वो? मम्मी हम ऐसे ऐसे निकल गए, तुम खुश है? मैंने हाँ हम बहुत खुश है। और क्या बात हुई? बस इतना ही बात हुआ, दोस्त सब साथे था, बस दोस्त सब अपने नाच गाना में लगा हुआ था। अच्छा, पूरा मस्ती एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे? अच्छा, घर पे किस तरह खुशियाँ मना रहे हैं आप? घर पर आते हैं, आप लोग आते हैं, खुशी तो ही मना रहे, गांव मोहल्ला में सारा में ही खुशी मना रहे। मिठाई उठाई बांटे? हाँ, मिठाई तो बहुत कल से बटा रहा है। अच्छा, कल ही से बटा रहा है? कल से बटा रहा है सर। अच्छा, अब विशाल भी आते थे तो कहीं ना कहीं यहीं रुकते होंगे? हाँ, यहीं पर रुकते थे। हाँ। अच्छा, एक ही रूम है कि और रूम? नहीं, एक ही रूम है। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहते हैं कि हमारे पास संसाधन के अभाव की वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे, उन लोगों को क्या संदेश? अरे हिम्मत से हिम्मत देगा तो पढ़ाई लिखने करेगा, हिम्मत हार जाएगा तो कुछ भी नहीं, हिम्मत लेके पढ़े से आगे बढ़ेगा करेगा। संघर्ष के दिनों के कुछ यादगार अगर पल है तो वो आप बता सकते हैं अपने बेटे के साथ, या फिर कोई ऐसा दिन जो मार्मिक दिन हो, या फिर पिता के मरने के बाद सोच रहे होंगे कि कैसे? सोच रहे पिता के मरने के बाद, मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत मुसीबत स्थिति में कटे हुए हैं, पति हस्बैंड थे, मेरा पी खा के आते थे, बाल बच्चा को मारपीट करते थे, घर पर इधर सब सारा करते, चूल्हा चौका सारा फोड़ फाड़ देते, बहुत स्थिति से गरीबी से निकले हुए हैं। अच्छा, मतलब जो एक समाज में ऐसे कहना नहीं चाहिए, जो एक पियक्कर पति होते आकर अपने पत्नी और बच्चों के साथ सही बर्ताव नहीं करते, उस प्रकार उनकी स्थिति? हाँ, वही स्थिति थी। अच्छा, तो उन्हें कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर वो जिंदा होते तो उनकी भी खुशी एक अलग होती? हाँ, अलग हो गई जी, बिल्कुल। अच्छा, रूम को एक बार दिखा दीजिए, मेडल वेडल उन्हीं के हैं क्या? मिसाली का मेडल वेडल है। आ जाइए, आ जाइए। उनके भाई है, क्या नाम है आपका? मिस्टर राहुल कुमार। अच्छा, इधर आइए राहुल जी, इधर आइए। राहुल जी, आप क्या करते हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएट 19 में किए हैं, अभी जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही लगे हुए हैं। भैया तो ऑफिसर बन गए आपके? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। काफी गौरवान्वित है हमारा परिवार, गांव समाज। बिहार को कहीं ना कहीं पिछड़ा कहा जाता है, बिल्कुल कुछ मामलों में हमारा बिहार पिछड़ा होता भी है, लेकिन आज के डेट में अगर विशाल जैसा लड़का बिहार में होना तो बिहार को अग्रा बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। और ज़रूरत है हमको, आपको और विशाल जैसे नव युवकों को आगे आने की, और आगे आकर कुछ ना कुछ ये करने के। पटना से 120 किलोमीटर अगर चलकर हम आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, विशाल के संघर्षों ने हमें यहाँ खींच लाया है, और यहाँ से बॉर्डर एरिया सीतामढ़ी का बॉर्डर एरिया पड़ जाता है ना? जी हाँ हाँ, बस यहाँ से 5-7 किलोमीटर सीतामढ़ी। और रात के बज रहे हैं, अभी कितना बज रहा है? 10:30 हो रहे हैं, और 10:30 बजे ये विशाल के भाई है राहुल, ये भी जगे हुए हैं, माताजी भी जगे हुई है, हम भी जगे हुए हैं। लोग भी सोचिए समझिए, अभाव के वजह से अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, या बहानाबाजी कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा IAS अगर बना होगा, दूसरा UPSC एस्पिरेंट कोई होगा, तो उसका घर हो सकता है कोई और होगा, अगर सफल हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता। पंखा भी है, लेकिन अब बिजली की स्थिति ही देख लिया जाए, अगर शायद से वो विशाल यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते तो हमें नहीं लगता है कि वो सफल भी हो पाते, क्योंकि अभाव यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा है। कुछ तो इनके पारिवारिक स्थिति भी उतनी सही नहीं है, उसके बाद सरकार भी इस तरह के गाँव घर में ध्यान नहीं देती। अभी लाइट है ये? नहीं, बल्ब चार्ज। अच्छा, बल्ब चार्ज कर रहे हैं, लाइट कटी हुई है। जैसे हमारे भैया किए हैं, इस समावेश और परिवेश में रह के यह समाज के लिए आईना है कि और भी बच्चे इस कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, बिहार के जितने भी लाल ने किया है कमाल, तो वो दिल्ली से ही किए हैं। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार और बिहार के तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे पहुंचे हुए हैं, तो वो एक प्रयास करें, और हम चाहते हैं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था किया जाए कि जब वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाने वाले बिहार के हैं, पढ़ने वाले बिहार के हैं, वहाँ पे खाना खिलाने वाले बिहार के हैं, मजदूर बिहार के हैं, बिल्डिंग बिहार के लोगों की है, तो फिर भैया वो चीज़ दिल्ली में क्यों हो रही है, वो बिहार में क्यों नहीं हो रही है? बिहार क्यों नहीं हब बन सकता है कि यहाँ से बच्चे पढ़ाई करके UPSC क्रैक करें? क्योंकि बिहार जो है प्रतिभावान राज्य कहलाता है, और बिहार के लोग चाहे तो कुछ भी कर गुजरते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार की मिट्टी से आते हैं, महात्मा गांधी ने भी बिहार के चंपारण से ही शुरुआत किया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, नाम अगर गिनाने लगूँ तो शायद समय छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, और क्या आप अपने एक्सपीरियंस कुछ साझा करना चाहेंगे? भैया के साथ कुछ पल बिताए हुए जो आप उस दौरान कभी हंसी मजाक में बात किए होंगे कि भैया तुम अगर IAS IPS या UPSC निकाल लोगे तो हम ये करेंगे, ये खरीदेंगे, ऐसा कुछ किए इस तरह का? जी नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। भैया 2011 में जब डिस्ट्रिक्ट टॉप किए, उसके बाद से मतलब परिवार से बहुत दूर हो गए, चूँकि उनको करना था, UPSC करना था, इस बीच में उन्होंने। अच्छा, आपके भैया ने कब सोचा था UPSC करने का? BTEC जिस समय वो IIT कर रहे थे, IIT कानपुर से, उसी दौरान। अच्छा जी, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी?
प्रारंभिक शिक्षा यहीं गवर्नमेंट विद्यालय से हुई थी। अच्छा। यहीं से बोर्ड करके उसके बाद वो गए थे पटना, पटना से उसके बाद कानपुर, कानपुर से कुछ समय आईआईटी कानपुर में पढ़े जी, आईआईटी कानपुर में बीटेक किए हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी करके जॉब ढूंढने लगते या फिर प्लेसमेंट हो जाती है, तो इन्होंने जॉब नहीं किया? नहीं, ये प्लेसमेंट नहीं लिए, क्योंकि प्लेसमेंट में बॉन्ड रहता है, वहाँ एग्रीमेंट करना पड़ता, लेकिन इनको इनका था मोटो कि हमको यूपीएससी करना है। इनको कहीं ना कहीं अपने आप पे भरोसा था कि मैं यूपीएससी निकाल लूंगा। ये दो बार जॉब को छोड़े हैं, एक रिलायंस में इन्होंने साल भर काम किया, वो काम करने का मकसद रहा कि इनके ऊपर जो लोन था वो क्लियर करना था, तो साल भर वहाँ काम करके फिर उसके बाद आगे पढ़ाई करनी थी तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी, तो ये टीचिंग लाइन चुने, एज अ फैकल्टी एलएन में काम किए 9 महीना। उसके बाद फिर वहाँ भी समस्या आई, चूँकि फर्स्ट अटैम्प्ट में वे पीटी निकाले मेन्स उनसे नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं समस्या थी कि काम कर रहे हैं यहाँ एंगेज है तो फिर यहाँ समय कम पड़ रहा है, तो फिर कंप्लीट रूप से छोड़कर दिसंबर 20 में हुए यहाँ दिल्ली गए मुखर्जी नगर। उसके बाद साल भर ये यूपीएससी में सफल हुए विशाल के भाई राहुल और उनकी बहन, अब क्या करेंगे बहन खुशबू, अब क्या करेंगे? हम लोग जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ईमानदार प्रयास, अभी तो वही हमने बताया कि सेल्फ स्टडी करते हैं, जनरल कंपटीशन है, कोचिंग संस्थान है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं जी, बिल्कुल कोचिंग संस्थान हमारा चलता है, उसमें हम बच्चों को सेवा देते हैं और आगे भी हम लोग का है, अभी तो छोटा पहल है, धीरे धीरे अब भैया हमारे यूपीएससी में चले गए हैं, आईएएस आईपीएस जो भी उनको रैंक मिलेगा उससे हम लोग गाँव समाज के बच्चों के लिए काम करेंगे निश्चित रूप से। यहाँ और भी आने वाले समय में आपका बार बार स्वागत किया जाएगा, कहीं ना कहीं एक विशाल, दूसरा विशाल, तीसरा विशाल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज और रिश्तेदार की तरफ से दबाव तो नहीं पड़ेगा कि राहुल को भी यूपीएससी करना होगा? नहीं, देखिए जिसमें क्वालिटी रहता है लोग उम्मीद और विश्वास उन्हीं से लगाता है, हमें कहीं ना कहीं कमी है जिस कारण से हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में बेहतर देने का प्रयास करेंगे, बच्चों को शिक्षा देने के लिए संकल्पित है। हाँ बिल्कुल सर, यही हमारा मोटो है। अरे भैया जिस समावेश और जिस परिवेश से निकलकर देश के सबसे टॉप एग्जाम क्रैक किए हैं, इनसे लोगों को सीखना चाहिए, ये एक दर्पण के रूप में समाज में उभर कर आए हैं कि समस्या जो है आपके मेहनत में बाधाएं नहीं डाल सकती। आप मेहनत कीजिएगा, ईमानदार प्रयास होगी, देर मिलेगा आपको सफलता मिलनी है, एकदम दुरुस्त मिलेगा, जरूर मिलेगी जी, बिल्कुल सर। अच्छा, अब रहने सहने में दिक्कतें होती होंगी गांव में? समस्या तो है जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकर बात किया जाए सिविल सर्विसेज की, तो कहीं ना कहीं बिहार के रगों में बसा हुआ है आईएएस आईपीएस अगर देखा जाए तो, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देखा जाए तो उसमें हमारे बिहार के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्थान पे रहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? लखिंदर भगत। अच्छा, आप ग्रामीण हैं या फिर इस घर के सदस्य हैं? जी। अच्छा, बड़े पापा हुए क्या? बड़े पापा हैं। कैसा लग रहा है आज के डेट में आपका भतीजा देश और राज्य का नाम रोशन कर रहा है, गौरवान्वित कर रहा है, और आपके परिवार का नाम राष्ट्रीय स्तर पे रोशन कर रहा है, कैसा महसूस हो रहा है चाचा जी? ठीक है कि नहीं? अच्छा मानना है। कभी सोचे थे कि बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा? वो तो खैर नसीब नसीब की बात है कि ना, जब उतना कोई नहीं ये सोचे हुए थे। हाँ। लड़का के मेहनत के ऊपर सोचे होंगे कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर ले, वही काफी है। बस वही बात है, बुजुर्ग में था जी। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम दिनेश रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है बच्चा आज के डेट में अगर सफल? अच्छा लग रहा है सर। क्या उम्मीद करते हैं अगर ऑफिसर बने तो क्या करे वो समाज के लिए? वो समाज के लिए अच्छा करेंगे। किस प्रकार आप कुरीतियों के देखते होंगे समाज में, और आपके जो जिले के ऑफिसर होंगे उनसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि वो ये करे, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने बच्चे से? काम करने के लिए। किस तरह के काम? कुछ शिक्षा? शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, ये सब के काम के लिए। हाँ। जी। अच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं बेटे? जी, खूब खुश है। पोता लगेगा? अच्छा, पोता लगेगा, तो इधर आ जाओ। क्या नाम है बाबू? खुशी कुमारी है मेरा नाम। अच्छा, कहाँ घर है? नुसरतपुर। अच्छा, ये जो अभी यूपीएससी में सफल हुए हैं, क्या भैया लगेंगे? जी। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है भैया ऑफिसर बन? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हो भैया से? बोलो। हम लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। भैया से पहले मिलते थे? जी। अच्छा, क्या बात करते थे उनसे जब मिलते थे? तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। तो हमने दिखाया आपको कि किस प्रकार संघर्षों की कहानी लिखी जाती है बिहार में, और बिहार का एक यह बहुत ही छोटा सा गांव है, मुजफ्फरपुर शहर से भी 20-25 किलोमीटर दूर यह गांव है, और यह प्रखंड मीनापुर पड़ता है। बहुत धन्यवाद साथियों।